टेलीविजन इंडस्ट्री की सबसे चुलबुली अदाकारा जिसने बहुत कम उम्र में शोहरत और कामयाबी हासिल करी, जिसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक्टिंग में अपना करियर बनाएंगी, तेजस्वी प्रकाश। तेजस्वी ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत काफी यंग एज से ही कर दी थी। कभी एक आम सी लड़की कॉलेज जाने वाली कैसे टीवी की एक मशहूर अदाकारा बनी, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। कैसे तेजस्वी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि हम इंस्पायर हो सके आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस बनाने के लिए। तेजस्वी का जन्म 10 जून 1992 को जेदा सऊदी अरेबिया में हुआ। तेजस्वी के फादर का नाम प्रकाश व्यंकर है जो कि पेशे से गीतकार है एंड उनकी मदर एक हाउसवाइफ है। म्यूजिक फैमिली से ताल्लुकात रखने के कारण तेजस्वी का भी इंटरेस्ट सिंगिंग में था। वह एक ट्रेंड सितार प्लेयर है एंड उन्होंने इंडियन क्लासिकल भी सीखा हुआ है। तेजस्वी शुरू से पढ़ने लिखने में आगे रही थी। तेजस्वी ने अपनी ग्रेजुएशन मुंबई के ये कॉलेज से पूरी करी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। तेजस्वी कभी एक्टिंग में अपना करियर नहीं बनाना चाहती थी, बल्कि वह तो अपनी पढ़ाई को ही आगे जारी रखना चाहती थी। लेकिन एक बार अपने कॉलेज के दौरान तेजस्वी ने एक ब्यूटी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा जिसे वह जीत गई, जिसके बाद काफी न्यूज़पेपर में उनकी फोटोज छपने शुरू हो गए, जिसके कारण ही उन्हें काफी टीवी शोज के लिए ऑफर्स आने शुरू हुए। तेजस्वी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2012 में करी लाइफ ओके के शो 26/12 से, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित शो था, जिसके बाद वह नजर आई थी 2013 में कलर्स पर आए शो संस्कार धरोहर अपनों की। 2015 में कलर्स पर टेलीकास्ट हुए शो स्वरागिनी जोड़े रिश्तों के सुर एक ऐसा शो बना जो तेजस्वी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसमें तेजस्वी ने रागिनी गडोदिया का रोल निभाया। शो सिर्फ 2 साल तक ही ऑन एयर हुआ, लेकिन तेजस्वी की लाइफ का ये ऐसा शो बना जिसने तेजस्वी को घर घर तक पहुँचने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद वह नजर आई थी सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हुए शो पैरेदार पिया के। शो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गया था उसकी स्टोरी के कारण, जिसके लिए तेजस्वी को कई बार ट्रोल किया गया। तब ऐसा वक्त भी आया जब तेजस्वी को लगा कि उनका एक्टिंग करियर खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसे कठिन समय पर अपना आपा ना खोने की बजाय वह लड़ी और आगे बढ़ी, जिसके बाद वह हिस्सा बनी 2018 में स्टार प्लस पर आए शो करण संगनी का, जिसके बाद वह हिस्सा बनी कलर्स पर आए शो सिलसिला बदलते रिश्तों का। टीवी में अपना एक्टिंग करियर में हाथ आजमाने के साथ साथ वह हिस्सा बनी खतरों के खिलाड़ी के सीजन 10 का, जिसमें चुलबुली सी तेजस्वी काफी टफ फाइट देती दिखी अपने बाकी कंटेस्टेंट को, लेकिन एक स्टंट करने के दौरान अपनी आईज में आई प्रॉब्लम के कारण उन्हें शो बीच में ही छोड़ना पड़ा, जिसके बाद वह पिछले साल ही हिस्सा बनी कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले शो बिग बॉस के सीजन 15 का, जिसमें वह सिर्फ टफ फाइट देती दिखी ही नहीं बल्कि वह बिग बॉस के सीजन 15 की विजेता भी बनी। फिलहाल वह हिस्सा है कलर्स पर ऑन एयर होने वाले शो नागिन के सीजन 6 का। तेजस्वी वैसे तो बाय नेचर बहुत चुलबुली हैं, लेकिन अपने एक्टिंग के दम पर ये बता चुकी हैं कि वह किसी से कम नहीं है। तेजस्वी से बहुत कुछ सीखने जैसा है। बड़ी बात तो ये है उन्होंने ऐसा समय का भी सामना करा है जब उन्हें लग रहा था कि उनका एक्टिंग करियर खत्म हो चुका है, लेकिन ना तो वह डरी बल्कि अपने डर का सामना बहुत बहादुरी से करा और जीती भी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा।